देख सकते हो इधर काका हमारे मछली मार रहे हैं, इधर देख रहे हो कितना मेहनत कर रहे हैं, बाढ़ का फायदा ये उठा रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिटिंग एंड ब्लॉग। मैं आप एकदम मस्त होंगे मेरी तरह से। गाइस आज का थीम वाला आपने देख लिया, आज हम लोग जाने वाले भारतीय फ्रैंक से मिले, भारतीय फ्रैंक यानी कि राजू भैया से मिले जा रहे हैं और मैं भी काफ़ी एक्साइट हूँ और आप भी काफ़ी एक्साइट होंगे। ठीक है, तो इसके पहले इससे वाला वीडियो आपको नहीं दिखाने वाला है यूट्यूब पर, तो ये वीडियो हम मेरे ख्याल से फर्स्ट वीडियो होगा जो भारतीय फ्रैंक से मिलने जा रहे हैं और उनका ब्लॉग बना रहे हैं, तो उनका ब्लॉग मैं खुद बना रहा हूँ। ठीक है, और जो भाई यार भारतीय फ्रैंक के जो उनके फ़ैन होंगे, जो उनको सब्सक्राइब किए होंगे, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लोकेशन पर पहले जाता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा स्टोरी बताऊँगा कि भारतीय फ्रैंक से कैसे मिलना है और क्या क्या करना है हमको, क्या क्या किए हैं हम, वो सब थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं। अभी स्टोरी सुनिएगा तो थोड़ा आश्चर्य होइएगा भाई कैसे होगा। ठीक है, तो वहाँ पर पहले लोकेशन पर पहुँचते हैं, 5 बजे का समय दिए हैं और 4 बज गया, देखते हैं। सुबह ही मैंने फ़ोन किया था तो 4 बज गया, उसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, बाय। सो गाइस अभी जहाँ पर हम राजू भैया के मतलब एक फ्रेंड है, वो बोल रहे थे कि यहाँ पर लोकेशन पाने के लिए, तो वो अभी है, मैं वहाँ पर आ गया हूँ और आते मतलब कि आधा घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक राजू भैया नहीं आया, तो देखते हैं कॉल करते हैं पहले, उसके बाद उनसे पूछते हैं कहाँ पर हैं। ठीक है भाई, कॉल करते हैं। गाइस अभी कॉल करते हैं उनको, कॉल करने के बाद पूछते हैं कि 62 वाला होगा, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। हेलो, हाँ कहाँ हैं? हम तो घर पे, हम पहुँच गए यहाँ पर। कहाँ पर? वही तिवारी पुल। ठीक है, आइए जी। सो गाइस अभी वो बोले कि जो आने अभी आ रहे हैं, तो देखते हैं वो कितना देर में आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक देख लीजिए थोड़ा सा लोकेशन है, पीछे का ऐसा है लोकेशन है, इससे पहले वाला वीडियो जो शूट हुआ था, इससे पहले का जो वीडियो शूट हुआ था यही पीछे शूट हुआ था, एक फ्रैंक था, फ्रैंक यहीं पर शूट हुआ था, तो अभी वहीं पर हम लोग आ चुके हैं और ये जगह अब यह पटोरी और वो स्टोरी मैं अब आपको बताता हूँ। सो गाइस, तो हम लोग का अभी लोकेशन है समस्तीपुर बिहार पटोरी, और आई डोंट नो कि वो कहाँ रहते हैं, मतलब कि मुझे नहीं पता है कि वो उनका रियल हाउस कहाँ पर है, लेकिन वो एज अ फ्रेंड के थ्रू, मतलब कि वो फ्रेंड के लिए यहाँ पर मतलब घूमने आए कि उनका अपना घर है, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कल शाम को हमने देखा था कि वो पटोरी बाज़ार में आए थे, तो हमने सोचा कि भाई हम उनसे मिलने जाते हैं, तो गाइस उसीलिए हम लोग कॉल किए, उसके बाद उनसे मिलने के लिए हम लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए, उसके बाद जाकर वो बोले कि ठीक है चलो अब आओ शाम को 5 बजे, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, अब देखते हैं वो कब आते हैं कब नहीं आते हैं, तो जब आएंगे उनसे बाद आपको मिला देंगे। ठीक है, तो सो गाइस हम लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, सो फाइनली वो घड़ी आ गई है, राजू भैया मतलब कि अभी तो आ चुके हैं, तो हाय क्या हाल है सबका, कैसे हो? और भाई आया है मुझसे मिलने और बहुत दूर से आया है, और मैं अभी अपने गांव में एंजॉय कर रहा हूं, बाकी देख रहे हो पूरा बाढ़ से भरा पड़ा है, पूरा हर जगह देख सकते हो, इधर और इधर भी देख सकते हो, इधर पूरा पानी भरा पड़ा है देख सकते हो। और गाइस हमको मतलब कि राजू भैया से मिल के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा मतलब इनका दिल बहुत बड़ा है, एक बार भाई दिए छोटा है, और हम काफ़ी मतलब राजू भैया को धन्यवाद करते हैं कि हमसे मिल दिए हैं और वीडियोज आर सब बनाए, तो बस भाई को सपोर्ट करो, ब्लॉग अच्छा बना रहे भाई, और यही बोलूँगा कि बस प्यार देते रहो, प्यार लेते रहो और बताते रहो, बाकी बहुत दूर से आया भाई, और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, जैसे मुझे सपोर्ट करते हो इस भाई को भी सपोर्ट करो, और बाकी ये भाई बोलेगा। और बताओ भाई कैसा? सो गाइस मतलब कि हम अपना क्या मतलब एक्साइटिंग में इतना मतलब खुश हैं कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं अच्छा से, मतलब मेरा एक्साइटेड में आप समझ सकते हो, अगर आप आते हो राजू भैया से मिलने तो आप राजू भैया से इंसान है, हम आम आदमी है भाई, हम बहुत बड़ा आदमी नहीं है, एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बाकी सबका अपना अपना लाइफ है। तो भाई का फ़ोन फुल हो चुका था तो खाली करके और फिर से वीडियो बना रहे हैं, तो यही बोलूँगा, बाकी देख सकते हो इधर काका हमारे मछली मार रहे हैं, इधर देख रहे हो कितना मेहनत कर रहे हैं, बाढ़ का फ़ायदा यही उठा रहे हैं, बाकी तो लोग तड़प रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब थोड़ा सा बाढ़ थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, वहीं पर मतलब शाम के टाइम में गया घूमने आए थे इसीलिए आए थे, बाकी यही बोलूँगा भाई को सपोर्ट करो। क्या नाम है तुम्हारा? छोटू। छोटू चैनल किस नाम से? 5DS एडिटर। 5DS एडिटर के नाम से है, और इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और यही बोलूँगा कि थोड़ा सा इसको प्यार दो भाई को,
कि ताकि ये आगे बढ़ सके, और प्यार दोगे तभी ये, सपोर्ट दिखाओगे तभी ये आगे बढ़ेगा। बाकी तो मिलते रहेंगे, आएंगे फिर मिलेंगे, लेट्स सी। बाकी ऐसी करते रहो मेहनत और बढ़ते रहो, हमारी दुआ है तुम्हारे साथ। धन्यवाद। बाकी तो ऑडियंस का प्यार चाहिए, तो प्यार दो, प्यार लो। बाकी अच्छा अच्छा दिखाओ ब्लॉग में, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ, ठीक है। तो गाइस आपको भी अगर मिलना होगा राजू भैया से, तो जैसे हम मिले, जैसे हम एक्साइट हुए, तो आप भी आकर मिल सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि आज मैं राजू भैया से मिल लिया, और जैसे जैसे हम सोच रहे थे हम लोग कि नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मिल गए। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे राजू भैया बोले हैं, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, छोटे भाई हैं को थोड़ा सा प्यार दिखाइए। तो गाइस वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के लिए बस इतना, चैनल को बाय बाय। तो जैसे कि आपने भाई बोले राजू भैया थोड़ा सा प्यार दिखाइए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए आप, बस ऐसे ही बना कर रखिए। हम भी थोड़ा मेहनत करते रहेंगे, पूरा अच्छा से बहुत लगन से मेहनत करेंगे, आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा ही लगेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टाटा।